होली के दिन भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर से टीएमटी सरिया से लदे ट्रेलर को चोरी करने वाले तीन चोरों को पुरानी भिलाई थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रेलर सहित 32 टन सरिया भी जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य 26 लाख रुपए है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुरानी भिलाई तीन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 मार्च की रात ट्रेलर चालक अजय चौधरी रात 9 बजे पंजाब रोडवेज के पास टीएमटी सरिया से भरे ट्रेलर को पिंटू होटल के सामने ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज के पास खड़ा किया था और होली त्योहार होने के कारण उसे दूसरे दिन ट्रेलर लेकर जाना था। लेकिन दूसरे दिन जब वह मौके पर पहुंचा तब ट्रेलर क्रमांक CG07AX8873 में लोड टीएमटी लोहा सरिया कोई अज्ञात चोर पार कर चुका था, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर मामले में अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की गई। इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। मुखबिर की सूचना पर पता चला है कि आरोपी गुरवेल सिंह, गुरप्रीत सिंह एवं अमृतपाल सिंह ट्रेलर की चोरी की है। पुलिस हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ की, तब आरोपियों द्वारा अपराध करना कबूला भी गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रार्थी अर्जुन प्रसाद निवासी जामुल के द्वारा कल दिनांक 18 को अपने ट्रेलर और साथ में उसमें लदे सरिया कीमती लगभग 43 लाख से ऊपर की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर तत्परता से टीम गठित की गई। टीम गठित कर अपने गोपनीय सूत्रों से आरोपियों का पता साझा किया गया और सिंगर क्षेत्र में आरोपी द्वारा चोरी के ट्रेलर और उसमें लगे माल सरिया की बरामद की गई। आरोपियों गुरवेज सिंह, गुरप्रीत और अमृतपाल के कब्जे से सामानों को चोरी की मसरूका 30 प्रेस बरामदगी की गई है और मानी नाला के समक्ष मिलाई के समय पेश कर न्यायिक अमल दिया जाता है। बहरहाल भिलाई तीन पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।